हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? तो आज हम ये बताएंगे कि अपना कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे चेक करते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए तो हम सीधा आ जाते हैं अपने क्रोम पे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन, घंटी प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत में हम आपको ले चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र में आ जाने के बाद में हम यूट्यूब कॉम सर्च करते हैं। जब हम करते हैं तो दोस्तों, हमें यहाँ पे ऊपर जो है तीन लाइनें आ जाती हैं, यानी बिंदी। जैसे हमारा डेस्क टॉप साइड ओके है तो उसके बाद में हमको कुछ नहीं करना है, हमें जो है अपने लोगो पर आ जाना है। जब दोस्तों हम अपने लोगों पर आ जाते हैं तो हमारा चैनल खुल जाता है, राम जी कश्यप ब्लॉगिंग। तो अब यहाँ पे लिखा होता है, बड़ा से देख लो, व्यू योर चैनल। तो हमें व्यू और चैनल पे क्लिक करना पड़ता है। दोस्तों, हम इस पे क्लिक कर दिया, अब हमारा चैनल खुल के आ जाता है। हमारा चैनल खुल के आ गया है। अब यहाँ पे लिखो, देखो, जैसे जो लोगन का चैनल मोनिटाइज हुआ तो वहाँ ज्वाइन लिख के आता है। तो अभी हमारा चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ है तो हम आ जाते हैं कस्टमाइज चैनल पे। जब कस्टमाइज चैनल पे आ जाते हैं और मैनेज वीडियोज, तो हमें कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कर देना है। तो अपना जैसे लॉक लगा खोलें, ये पैटर्न पड़ा है पैटर्न से। दोस्तों, जब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे देखो यूट्यूब स्टूडियो आ जाता है, यूट्यूब स्टूडियो। तो हमें यहाँ पे तीन लाइनें यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने सेटिंग पे। नीचे देखो, सबसे नीचे सेटिंग का ऑप्शन आता है, हमको यहाँ सेटिंग पे क्लिक कर देना। फिर दोस्तों हमें जनरल चैनल, तो हमें चैनल पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, अब यहाँ पे जो हमारा कंट्री है ये सब कुछ आ जाता है, ये देखो। उसके बाद दोस्तों हमें फ्यूचर एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखो आ जाता है कि स्टैंडर्ड फ्यूचर अपलोड वीडियोज, क्रिएट प्लेलिस्ट एंड ऐड कोलैबोरेटर्स एंड न्यू वीडियोस टू प्लेलिस्ट। तो जैसे हमारा यहाँ पे देखो एना लेड लिखा था, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा है चैनल इज फ्री ऑफ एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक, यानी कि अभी तक हमारे में कोई स्ट्राइक नहीं लगा है, केकू फ्री लिखा है। अगर यहाँ पर जैसे जब सही का निशान है लाल होता है काला, तो यहाँ दिक्कत हो जाता। फिर अभी हमारे तीन स्ट्राइक होते हैं, कहते हैं तीन महीने में, एक महीने में तीन स्ट्राइक आ जाते हैं तो चैनल में दिक्कत आ जाता है। वीडियो अपलोडिंग प्लेलिस्ट इधर कुछ सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे मैंने ये फर्स्ट वीडियो लिया है कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे चेक करें, क्योंकि मैं भी एक साल से काम कर रहा हूँ तो हमको जो नॉलेज हुआ है मैं वही आप सबको बताना चाहता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे चेक करते हैं। तो क्षमा करिए जो मुझसे गलती हुई हो। अगर पसंद आया हो वीडियो तो आप पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए आप हमारे अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत माँ।